फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजन गौतम। मेरे पास एक ओप्पो A15s के हैंडसेट है। तो दोस्तों, इसमें देखिए, जो मैं पैटर्न लेता था ये रंग बता रहे हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन ये है कि अभी मैं उसको अनलॉक टूल पे उसको अनलॉक करूँगा। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अच्छा लाइक जरूर दे। ये आपकी ओप्पो A15s की हैंडसेट है। और दोस्तों देखिए, इससे जो मैं पैटर्न लेता था ये रंग बता रहा है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके फ़ोन पर यहाँ पर पावर बटन, आपको पहले फ़ोन को स्विच ऑफ करना होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया। तो यहाँ पर स्विच ऑफ करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है अनलॉक टूल पे। और एक बात दोस्तों, ये आपकी MTK का CPU है, इसीलिए आपकी MTK का ड्राइवर इंस्टॉल होना आपकी PC पे ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले जाना है आपको ओप्पो पे जाना है। ये देखिए, मैं ओप्पो पे क्लिक कर रहा हूँ। और यहाँ पर ओप्पो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है, यहाँ पर ओप्पो A15s आपको सर्च करना है। नहीं तो उसकी जो CPS नंबर है 2171, ये 2171 पे नियर है, इसलिए आपको सर्च करना है ओप्पो A15 9। सॉरी दोस्तों, उसका जो CPS नंबर है 2179। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ओप्पो A15 को मैंने सिलेक्ट किया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, CPS 2 है, तो ओप्पो A50 और 15s की दोनों मॉडल का एक ही सिलेक्ट करना होगा। ये है आपकी CPS 2185 जो कि ओप्पो A15 का, और ये देखिए CPS 2179, तो ये भी ओप्पो A15s का भी वही है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको यहाँ पर CPS 2179 आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने का, तो यहाँ पर आपको जाना है फैक्ट्री रीसेट। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, फैक्ट्री रीसेट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपकी वेट फॉर डिवाइस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी यहाँ पर जो वॉल्यूम प्लस और माइनस, तो दोनों की को प्लस और माइनस दोनों की को सेम टाइम आपको प्रेस करना है। और आपकी जो USB केबल को आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, आपके फ़ोन कनेक्ट हो गया। और कनेक्ट होना है, यहाँ पर देखिए सेकंड बूट भी ले रहा है, यूजर इरेजिंग यूजर डाटा भी लिख रहा है। और उसका देखिए OTA वर्सन, यहाँ पर देखिए ओप्पो A15s, यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा स्पॉट कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए ओप्पो A15s CPU 2179 यहाँ पर सर्च कर रहा है। और यहाँ पर आपके फ़ोन भी ऑटोमेटिक ऑन भी हो गया है। और यहाँ पर देखिए CPS 2179, यहाँ पर देखिए ओप्पो A15s और 2179। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा आपके फ़ोन स्टार्टअप के लिए। उसके बाद देखिए, आपके यहाँ से डब यहाँ पर स्टार्टअप आ चुका है। अभी हम सिर्फ नेक्स्ट एंड कर लेते हैं। वाईफाई नहीं चाहिए हमको, नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके यहाँ पर मोर करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके पीछे ओके कर लेते हैं। यहाँ पर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर पासवर्ड दे सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप नहीं भी दे सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं वीडियो का अच्छा लगता है लाइक जरूर दे दीजिए। देखिए,